पिछले दो दिनों से उत्तर प्रदेश बीजेपी में खींचतान लगातार जारी है। बीजेपी से छन छन कर जो जानकारी बाहर आ रही है उसमें कई तरह के मामले सामने दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर खींचतान सबसे ज्यादा है, वहीं मंत्रिमंडल में विभागों को लेकर और संगठन में पदों को लेकर भी केंद्रीय नेतृत्व को फैसला करने में संकट भरे समीकरणों का सामना करना पड़ रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि आरएसएस ने एक प्रस्ताव रखा है और उत्तर प्रदेश को चार भागों में बांटने की बात कही है, मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश को अगर चार भागों में बांटा तो राजनीतिक रूप से सबसे बड़ा नुकसान भाजपा में किसको होगा। अगर बीजेपी के अंदर ही देखा जाए तो इस वक्त सबसे बड़ा नुकसान प्रदेश को चार भागों में बांटने से योगी आदित्यनाथ को होगा। योगी आदित्यनाथ इस वक्त 75 जनपद और लगभग 22 करोड़ से भी ज्यादा संख्या वाले देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं। एक तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दूसरा प्रधानमंत्री तक कहा जाता है। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीकंधा बन जाता हूं। अगर इस वक्त उत्तर प्रदेश बटेगा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कद स्वाभाविक है कि छोटा हो जाएगा, और यही बताया जा रहा है कि इसी वजह से योगी ना तो कुर्सी छोड़ना चाहते हैं, ना तो प्रदेश बांटने की पैरवी कर रहे हैं। मगर संघ के सूत्रों की माने तो संघ ने साफ साफ ये प्रस्ताव केंद्र के पास भेज दिया है। संघ का मानना है कि उत्तर प्रदेश चार भागों में बांट दिया जाए तो विपक्ष अपने आप टूट जाएगा, यानी कि अखिलेश यादव को कमजोर करने का ये आखिरी हथियार अब बीजेपी और संघ के हाथ में बचा है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा सकता है कि जो उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री हैं और चौथा व्यक्ति मुख्यमंत्री की दावेदारी रख रहा है सामने, ऐसे में इन चारों लोगों को खुश करने का खिलौना बड़े आसानी से संघ के हाथों में मिल सकता है। यानी कि चार प्रदेश और चार मुख्यमंत्री एक ही प्रदेश को बांटकर, इससे बीजेपी में चल रही मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई भी काफी खत्म हो जाएगी। मगर सवाल तो ये उठता है, क्या इस फैसले पर केंद्र सरकार मोहर लगाएगी और क्या योगी के पर मोदी कतर पाएंगे? फिलहाल इस सवाल का जवाब शायद इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी और योगी के बीच की बातचीत के अलावा किसी के पास भी नहीं होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।